अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं किचन विद रोज़ी के साथ आपके साथ एक नई डिश लेके आपके पास हाजिर हूँ। मैं आज आपको लौकी चने की दाल बनाना बता रही हूँ। आजकल आपको पता है कि गर्मी बहुत है, तो इसमें लौकी का इस्तेमाल आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो इस वजह से ये डिश जो है ये मतलब ज़रूर आप घर में ट्राई करें, और मैं जिस तरह से बनाती हूँ उसको भी ट्राई ज़रूर करें। और अगर पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब चलते हैं हम अपनी डिश की तरफ। ये हमारी लौकी चने की दाल के इंग्रेडिएंट्स हैं, ये नोट कर लीजिए। चने की दाल मैंने आधा किलो ली है या उससे कम ही ली है, उसको पानी में 10 मिनट पहले भिगो दिया था। और एक लौकी ली है मैंने थोड़ी बड़ी देख के। और उसके बाद मैंने जो अभी हम सबसे पहले ऑयल डाल के उसमें सबसे पहले हम प्याज को लाल करेंगे। प्याज फ्राई होने के बाद फिर हम उसमें ये टमाटर और इसके साथ ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, कलौंजी है और सफ़ेद ज़ीरा है। और उसके बाद ये मसाले हैं जो पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई हल्दी, और ये एंड में हम पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे, और ये नमक आपके हसबे ज़ायका। तो चलें हम अपनी डिश को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे, तकरीबन आधी प्याली हम इसमें ऑयल डालेंगे। फिर हमने इसमें प्याज डाल देनी है। फ्लेम थोड़ा सा हम तेज़ कर देंगे। प्याज डालने के साथ ही हम इसमें कलौंजी और सफ़ेद ज़ीरा एक साथ ही डाल देंगे और इसको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे प्याज को। ये प्याज जो है हमारी ब्राउन हो गई है तकरीबन, हमें हल्की ब्राउन रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना इसको। अब इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। इसको भूनते रहना। इसके बाद जो हमारे पास मसाले हैं वो डालना है। पिसा हुआ धनिया हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून दो टीस्पून लिया था, और पिसी लाल मिर्च भी हमने 2 टीस्पून ली थी, और हल्दी भी हमने तकरीबन 1.5 टीस्पून ली थी। नमक हमने अभी इसमें शामिल कर देना है, और जो पिसा हुआ गरम मसाला है वो हमने एंड में डालना है। अब इसमें हमने टमाटर ऐड किए, इसको अच्छे से भून लेंगे। फिर इसके बाद हमने इसमें दाल डाल देंगे। और इसमें इतना पानी डालना है कि ये दाल जो है वो गल जाए। तकरीबन 1 गिलास पानी हमने इसमें ऐड किया है। अब हम इसको ढक देंगे दाल गलने तक, फिर हम इसको थोड़ी देर में चेक करेंगे कि दाल हमारी गल गई या नहीं। दाल हम चेक करते हैं, दाल हमारी गल गई है तो हमने इसमें लौकी शामिल करनी है। तकरीबन दाल हमारी गल गई है तो हम इसमें अब लौकी शामिल कर रहे हैं। थोड़ा सा हम इसमें पानी मिलाएंगे। फिर हम इसे तकरीबन 15-20 मिनट तक इसको पकाएंगे। चलो अब हम अपनी डिश चेक करते हैं। तकरीबन हो गई है,
अब हम इसमें जो हमारा पिसा हुआ साबित गरम मसाला था वो ऐड करेंगे, और ये हरी मिर्चें, ये हमने थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया डाला था, ये हम उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, हम 5 मिनट में इसको डिश आउट करते हैं। ये हमारी डिश रेडी है, लौकी चने की दाल मैंने बनाई है, साथ में मैं इसके साथ चावल खाने वाली हूँ। तो आप इसको रोटी से भी खा सकते हैं, और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बहुत अच्छी बनी है और आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। और इस मेरी डिश अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।